हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, तारीख हो चुकी है 5 दिसंबर 2023 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2024 को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल की सभी 10 की 10 टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की। सबसे पहली अपडेट निकल आ रही है पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर की साइड से। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद आमिर जो है वो भारतीय क्रिकेट से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। इसके साथ ही विराट कोहली और आईपीएल के भी काफी बड़े फैंस हैं। और अब मोहम्मद आमिर ने क्लियर कर दिया है कि वो आईपीएल 2024 की नीलामी के लिए अपने नाम को सबमिट करवा चुके हैं। मोहम्मद आमिर ने कहा कि वैसे तो आईपीएल में किसी भी टीम से खेलने के लिए तैयार है, लेकिन अगर इनसे इनकी प्रायोरिटी और इनकी फेवरेट आईपीएल टीम के बारे में पूछा जाए तो फिर विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, क्योंकि दोनों ही इनकी फेवरेट है। तो ऐसे में चाहेंगे कि आरसीबी की टीम के ऊपर इस नीलामी में बिडिंग जरूर करे। कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोग मोहम्मद आमिर को चाहते हैं कि उनके नाम को सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि अभी तो 1166 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है, तो ऐसे में उनमें से 250 प्लेयर्स को छांटा जाएगा। कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोग इन 250 प्लेयर्स में से मोहम्मद आमिर का नाम देखना चाहते हैं या फिर नहीं। फिलहाल गाइस, हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 की नीलामी के रिगार्डिंग। वैसे तो 19 तारीख को हम सभी लोगों को दुबई में आईपीएल की नीलामी देखने को मिलने वाली है, लेकिन क्योंकि अचानक से ही करीब 2 हफ्ते पहले दुबई को आईपीएल के ऑक्शन का वेन्यू डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसके बाद दुबई की साइड से थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन जताया गया है बीसीसीआई को, क्योंकि इनका मानना है कि अगर बीसीसीआई चाहती थी कि आईपीएल का ऑक्शन दुबई में कंडक्ट करवाया जाए तो इनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया जाना चाहिए था। जनरली 1 से 2 महीने पहले ही वेन्यू को बता दिया जाता है कि यहां पर आईपीएल का ऑक्शन होने वाला है, तो ऐसे में दुबई की साइड से कोई भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बीसीसीआई ने इनको प्रोवाइड नहीं की थी, तो ऐसे में ये हो सकता है कि ऑक्शन की डेट को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दे। फिलहाल गाइस, हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है क्विंटन डीकॉक की ट्रेड के रिगार्डिंग। जहां पर कल सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारी खबरें वायरल हो रही थी कि क्विंटन डीकॉक हम सभी लोगों को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में ट्रेड होते हुए नजर आने वाले हैं। अब ये ट्रेड कितने करोड़ रुपए में हो रही है, इसके साथ ही कौन कौन से प्लेयर्स ट्रेड होंगे, ट्रेड होगी भी या फिर नहीं, इसके रिगार्डिंग अभी से कुछ देर के बाद हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और उसमें इस चीज को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे कि इस ट्रेड की सच्चाई क्या है। इसके साथ ही ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड विंडो से रिलेटेड सारी अपडेट्स को जानने के लिए आप लोग अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर आप लोगों के लिए आईपीएल ऑक्शन से पहले काफी बड़ा गिव अवे चल रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करते ही आप लोगों को 10 की 10 आईपीएल टीमों की जर्सीज, क्रिकेट बैट्स और इसके साथ ही क्रिकेट किट्स भी गिफ्ट की जाएंगी। फिलहाल गाइस, सब चलते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और उनके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों की साइड से, जहां पर दोनों ही टीमें अब अपने अपने ट्रेड प्लेयर्स को लेकर काफी ज्यादा बातचीत एक दूसरी टीमों से कर रही है। आरसीबी की टीम जहां एक तरफ दिनेश कार्तिक को ट्रेड करना चाहती है, क्योंकि ऑलरेडी आरसीबी की टीम के पास अनुज रावत विकेटकीपर के तौर पर अवेलेबल हैं, और दूसरी तरफ वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात करें तो ये एक विकेटकीपर को अपनी टीम में लेना चाहते हैं। हालांकि वो विकेटकीपर दिनेश कार्तिक नहीं है, लेकिन सीएसके चाहती है कि करीब करीब 26 से 30 साल की उम्र का अगर कोई विकेटकीपर इनकी टीम में आ जाता है तो फिर वो आने वाले सालों में महेंद्र सिंह धोनी की बैकअप के तौर पर भी टीम में शामिल हो सकता है। तो इस तरीके से आरसीबी और सीएसके दोनों ही टीमें इस ट्रेड विंडो में हमें काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। फिलहाल गाइस, हम चलते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 की नीलामी के ऑक्शनीर को लेकर। जहां पर वैसे तो आईपीएल की नीलामी में हमने काफी सारे ऑक्शनीर देखे हैं, लेकिन इस बार हमें आईपीएल 2024 की नीलामी में एक महिला ऑक्शनीर देखने को मिल सकती है, जो कि पहले भी आईपीएल की नीलामी का छोटे छोटे हिस्सों में हमें पार्ट बनते हुए नजर आई थी, और इनका नाम है मल्लिका सागर। दरअसल मल्लिका सागर, अगर आप लोगों को याद हो तो जो विमेन्स प्रीमियर लीग हुआ था उसका ऑक्शन भी इन्होंने ही कंडक्ट करवाया था। तो ऐसे में इस बार हो सकता है कि दुबई में अगर आईपीएल का ऑक्शन कंडक्ट हो रहा है तो मल्लिका सागर ही हमें आईपीएल 2024 का जो मेंस आईपीएल है उसके ऑक्शनीर के तौर पर भी नजर आए। खैर, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों के अभी तक के फेवरेट आईपीएल ऑक्शनीर कौन है। फिलहाल गाइस, हम चलते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है बीसीसीआई के द्वारा, जहां पर इन्होंने आईपीएल 2024 की नीलामी से ऑप्ट आउट करने वाले, यानी कि आईपीएल 2024 से अपने नाम को पुल आउट करने वाले प्लेयर्स की पूरी लिस्ट को जारी कर दिया है। इस लिस्ट में हमें 5 काफी बड़े नाम देखने को मिले हैं, जहां पर सबसे पहले नंबर पर इंग्लैंड की साइड से नाम आता है जोफ्रा आर्चर का, इसके बाद बांग्लादेश की साइड से नाम आता है शाकिब अल हसन का, बांग्लादेश की ही साइड से हमें लिटन दास का नाम भी देखने को मिलता है, इसके साथ ही इंग्लैंड की तरफ से नाम आता है जो रूट का, और उनके साथ ही इंग्लैंड की साइड से ही हमें बेन स्टोक्स का भी नाम देखने को मिलता है, जो कि आईपीएल 2024 की नीलामी से अपने नाम को पुल आउट कर चुके हैं, यानी कि आईपीएल 2024 का ये हिस्सा नहीं होंगे। फिलहाल गाइस, हम चलते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी के रिगार्डिंग। जहां पर अगर आप लोगों को याद हो, जिस टाइम पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपना डेब्यू किया था उस टाइम पर ये सचिन तेंदुलकर के साथ काफी साल खेले थे, और सचिन इनकी
की कैप्टनसी में भी खेले थे। उसके बाद सचिन के बाद जो नेक्स्ट बिग थिंग भारतीय क्रिकेट में हुई थी वो थे विराट कोहली, और विराट कोहली को तो धोनी के अंडर ही काफी ज्यादा ग्रूम किया गया था और विराट कोहली को धोनी ने कैप्टन भी किया, बाद में वो विराट की कैप्टनसी में भी खेले थे। और अब फाइनली जो थर्ड जनरेशन है जिस प्लेयर को नेक्स्ट विराट कोहली या फिर नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बोला जाता है वो है शुभमन गिल। उनके साथ भी अब महेंद्र सिंह धोनी हमें खेलते हुए नजर आएंगे, उनकी कैप्टनसी के अगेंस्ट ये हमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुभमन गिल को जीटी का कैप्टन आईपीएल 2024 के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। तो ऐसे में वो महेंद्र सिंह धोनी के आसपास एज अ कैप्टन भी रहने वाले हैं। तो इस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी अभी भी वहीं पर हैं, लेकिन उनके साथ तीन जनरेशन क्रिकेट खेल चुकी हैं, जो कि दिखाता है कि महेंद्र सिंह धोनी कितने लंबे टाइम से क्रिकेट में रेलेवेंट है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम की साइड से, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की साइड से अपडेट निकल कर आ रही है कि ये टीम अब दिल्ली कैपिटल्स की साइड से रिलीज किए गए रोमन पॉवेल को अपने मिडल ऑर्डर में यूज करना चाहती है। लास्ट ईयर भी इनकी जो मेन प्रॉब्लम रही थी वो यही थी कि मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर में ज्यादा कंसिस्टेंटली इनके बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में अब क्योंकि देवदत्त पाटीकर ट्रेड हो चुके हैं, तो ये चाहते हैं कि इनके साथ अगर एक पावर हिटर आ जाता है जो शिमरन हेटमायर को अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर सके तो रोमन पॉवेल हो सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।